हम लोग देखे थे अंडर डैम सिस्टम के लिए किस इनपुट के लिए, स्टेप इनपुट। अभी थ्रू आउट हमारे स्टेप इनपुट के लिए चारों सिस्टम देखेंगे, अंडर डैम, अनडैम, क्रिटिकली डैम और ओवर डैम सिस्टम। तो फर्स्ट हम देख चुके हैं अंडर डैम सिस्टम, सेकेंड विल बी हमारा अनडैम सिस्टम। तो फॉर अनडैम सिस्टम हम जानते हैं बच्चों की जी का क्या होता है, जी। और ये हम किसके लिए देखे, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। दिस इज हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, इसका हम सी एस वाई आर एस निकालेंगे। सी एस वाई आर एस इज इक्वल टू, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या होता है बच्चों, जी एस ए डिवाइडेड बाई वन प्लस जी एस एच ए, ये हम लोग जानते हैं। तो ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, दिस इज हमारा सी एस वाई आर एस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। इसी का एस वन टू निकालना है, चलो इसी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें, वन प्लस जी एस एच एस इक्वल टू जीरो, दिस इज हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एस स्क्वायर टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम लोकेशन ऑफ पोल निकाले थे एस वन कॉमा टू, तो हमारा लोकेशन ऑफ पोल क्या है बच्चों, दैट इज हमारा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा। दिस इज हमारा लोकेशन ऑफ पोल फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, बट दिस इज अनडैम्प्ड सिस्टम जिसका जीटा क्या है, जीरो है। तो पुट जीटा इक्वल टू जीरो, अगर हम यहाँ पे जीटा जीरो पुट करेंगे तो एस वन कॉमन टू ये पार्ट विल बी जीरो, दिस पार्ट विल बी जीरो, यहाँ पे क्या बचेगा जीटा जीरो। तो सिर्फ क्या है यहाँ पर इमेजिनरी टर्म, दिस इज हमारा लोकेशन ऑफ पोल फॉर अनडैम्प्ड सिस्टम। तो चलो इसको लोकेट करते हैं, तो ये कहाँ है सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा, दिस इज प्लस जे ओमेगा एंड दिस इज माइनस जे ओमेगा, दिस इज लोकेशन ऑफ पोल फॉर अनडैम्प्ड सिस्टम, ये दे चुके हैं हम। चलो अब हम इसका आउटपुट रिस्पॉन्स निकालते हैं फॉर स्टेप इनपुट, फॉर स्टेप इनपुट। तो इनपुट विल बी हमारा स्टेप इनपुट, ठीक है। तो देखो तो हम यहाँ इनपुट अप्लाई कर रहे हैं स्टेप, दिस इज हमारा स्टेप इनपुट आर टी ए यू ऑफ टी, इसका आर एस फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या चाहता ए वाई एस, ठीक है। तो सी एस इज इक्वल टू आर एस, ठीक है। सी एस चलो पहले सी एस बाई आर एस निकाल देते हैं फॉर थीटा इक्वल टू थ्री, सी एस बाई आर एस इज इक्वल टू, सो देखो दिस इज हमारा सी एस बाई आर एस। तो फॉर थीटा इक्वल टू जीरो वी हैव टू पुट थीटा इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन। तो जब हम थीटा जीरो पुट करेंगे तो ये वाला टर्म विल बी जीरो, तो इक्वेशन आ जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, क्योंकि ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा जीरो। तो सी एस विल बी इक्वल टू आर एस इन टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एस, आर एस हमारा ए बाई एस, पुट आर एस इक्वल टू ए बाई एस, ए बाई एस इन टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से सी एस इज इक्वल टू ए ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, इमेजिनरी टर्म आ जाता है। अगर यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बट प्लस होता है तो कैसे लिखते हैं एस प्लस जे ओमेगा है एस माइनस जे ओमेगा, सिंपल है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब इसी का हम लोग को क्या करना है, टाइम डोमेन एनालिसिस करना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो रखना नहीं है। तो चलो टाइम डोमेन एनालिसिस करते हैं इसका, तो उसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा इसका इनवर्स लैपलेस। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इसका लैपलेस इनवर्स लैपलेस के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो ब्रेक करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलो ब्रेक करते हैं, सी एस इक्वल टू तीन टर्म है हमारे पास ए नॉट बाई एस प्लस
a1y s plus g omega n plus into y s minus g omega. A0, a1 और a2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले a0, a0 इक्वल टू क्या होता है, a0 के डिनोमिनेटर में क्या है s. तो इस पूरे टर्म से तुमको क्या करना पड़ेगा, s को हटा दो. इस पूरे टर्म से हम s को हटा दें तो क्या बचा, a omega n square divided by s square plus omega n square. और जिसको हम रिमूव करते हैं उसी को हम क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट. तो s equal to zero, put s equal to zero in this equation, क्या बचेगा, a omega n square divided by omega n square, this omega n square cancel, this will be a. So a not आगे तो हमारा a. next हमको क्या निकालना है, a one. तो देखो a1 के डिनोमिनेटर में क्या है, s plus g omega n. इस पूरे फंक्शन से तुम क्या इन्वर्स कर दोगे, s plus g omega n, जो बचेगा उसको लिख देते हैं a omega n square divided by s s minus g omega n. वैल्यू किसका पुट करोगे बच्चों, जिसको तुम हटाए थे, जिसको इस ट्रांसफर फंक्शन से हटाए थे. तो जब इसको हटाए तो s plus g omega n equal to 0, तो s will be equal to minus g. Put s equal to minus g omega. A omega square divided by minus g omega into minus g omega minus omega minus 2g omega. Omega n cancel. तो ये आ गया हमारा g square, j into j, j square is minus 1, minus minus plus हो जाएगा. Then minus a by 2. See, देखो minus minus plus और j square is minus 1, तो minus ये हो जाएगा और बचे क्या, तो ये आ गया तुम्हारा a हुआ. Next हमको a2 calculate करना है. तो a2 के लिए denominator में क्या थे, s minus g omega. तो इस function से इस बता दो तो क्या बचा, a omega n divided by s s plus g omega. वैल्यू किसका पुट करो, इसको रिमूव कियो तो s minus g omega n equal to 0, तो s equal to g omega. Put s equal to g omega. A omega square divided by g omega, g omega plus g omega into 2 g omega. Omega and omega cancel, this omega square. तो क्या आ जाएगा, तो j square is minus 1, माइनस ए बाई. ठीक है, देखो ए नॉट भी आ गया, ए वन भी आ गया और ए टू भी आ गया. तो चलो इसको फाइनली पुट कर देते हैं, तो सी एस इतना आ जाएगा, सी एस कम्स आउट बी, ए का वैल्यू क्या है, ए बाई एस, और ए वन का वैल्यू क्या है, माइनस ए बाई टू. पुट माइनस ए बाई टू, ए वन क्या है, माइनस यानी एस प्लस जीरो मीटर माइनस ऑफ ए बाय टू एस माइनस. तो ये आ गया हमारे ए नॉट, ए वन और ए टू का वैल्यू. अब तीनों वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इजीली हम इसका इनवर्स लाप्लास कर सकते हैं बच्चों. अब निकालो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो CT इज इक्वल टू a बाय s का a माइनस a बाय 2 s प्लस फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग है यानी एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा माइनस ऑफ j ओमेगा n माइनस a बाय 2 e टू द पावर प्लस और होल टर्म ut. ठीक है, यूनिट स्टेप तो तुम्हारा मल्टीप्लाई रहेगा. चलो कुछ कॉमन आ रहा है, यस ए कॉमन है या सब ए कॉमन है. इस टर्म से हम एक ए कॉमन ले, क्या बचा, e टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन टी, माइनस कॉमन ले यहाँ जगह प्लस e टू दी पावर जे ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय 2. अब देखो e माइनस थीटा प्लस e थीटा बाय 2 क्या होता है, कॉस थीटा. ठीक है, तो CT will be equal to A minus A cos of omega n t.
क्लियर है बच्चों, बहुत इजी है, तुमको बस कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, इट्स वेरी इजी। अब इसका आउटपुट आ गया, इसका आउटपुट रिस्पांस चेक करते हैं। तो चलो ग्राफ बनाते हैं, कैसा आता है आउटपुट रिस्पांस। ऑल्दो हम लोग जानते हैं लोकेशन ऑफ पोल से ये सिस्टम कैसा है, दिस सिस्टम इज अ मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, और इसमें क्या कोई भी रियल टर्म था नहीं, गवर्न ऑफ टाइम कांस्टेंट बता रहे, तो 1 बाय इनवर्स लोकेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल, रियल पार्ट इज 0 तो 1 बाय 0, तो सेटलिंग टाइम क्या होता है, दिस विल बी टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, इंसिडेंट एंड सेटलिंग टाइम, मान लो 2% एरर बैंड फॉर 2% एरर बैंड, सेटलिंग टाइम विल बी 4 टाउ, तो सेटलिंग टाइम क्या होगा, इंसिडेंट, यानी सिस्टम तुम्हारा कभी भी सेटल नहीं करेगा, और इसीलिए इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, क्या बोलते हैं, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, और इसमें कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, ठीक है, तुमको बता चुके हैं एक्सपोनेंशियल टर्म रहेगा तब तो सिस्टम कहीं जाके डिक्रीज करेगा, है ना, यहाँ कोई एक्सपोनेंशियल सिस्टम एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, तो ये वाला सिस्टम कभी भी सेटल नहीं करेगा, ये हमेशा क्या करते रहेगा, मूव करते रहेगा, और इसमें जीटा, और एक तरह से क्या समझ सकते हो, जीटा विल बी 0, अगर जीटा 0 है, जीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, तो जीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू डैम्प आउट द ऑसिलेशन, जो तुम्हारा सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए, बंद करने के लिए तुम्हारा जीटा होता है, बट फॉर अनडैम्प सिस्टम जीटा क्या है, 0, यानी वो कभी भी तुम्हारे सिस्टम को डैम्प आउट नहीं करेगा, और सिस्टम कंटिन्यू ऑसिलेट करते रहेगा, क्योंकि जो सिस्टम, जो पार्ट तुम्हारा ऑसिलेशन को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो तो इसमें 0 है, जीटा है ही नहीं, जीटा पे भी 0 इन अनडैम्प सिस्टम, तो सिस्टम कंटिन्यू ऑसिलेट करते रहे, क्लियर हुआ, तो चलो इसे ग्राफ बनाते हैं। तो चलो सबसे पहले क्या है, कॉस ओमेगा एन टी, एक ग्राफ बना देते हैं, कॉस ओमेगा एन टी, कॉस ओमेगा एन टी, तो ग्राफ कॉस को कुछ ऐसा इस तरह से आता है, दिस इज प्लस 1 दिस इज माइनस 1, कॉस हो गया, अब देखो कॉस माइनस के टर्म में है ना, तो चलो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस कॉस, माइनस कॉस ओमेगा एन टी, तो ग्राफ क्या होगा, जस्ट उल्टा ग्राफ का है, जस्ट उल्टा मतलब जो यहाँ था वो यहाँ होगा और जो यहाँ था वहां, तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, दिस इज माइनस कॉस ओमेगा एन टी, सबसे पहले कॉस का ग्राफ बनाए, फिर मेरे को माइनस चाहिए तो कॉस क्या आ गई, तो हम इसको माइनस से इंटू कर दिए इस ग्राफ को, तो जो तुम्हारा 1 पे था वो माइनस 1 पे आ जाएगा, और जो माइनस 1 पे था वो 1 पे जाएगा, आप देखो अगर इसको ए को कॉमन ले, तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 1, यानी जो ग्राफ है उसको प्लस 1 से शिफ्ट करेंगे, जो भी तुम्हारे पास ग्राफ है उसको प्लस 1 से शिफ्ट करोगे, तो जब तुम प्लस 1 से शिफ्ट करोगे तो देखो कैसे होगा, जब तुम इस ग्राफ को माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 से शिफ्ट करो, तो माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, ठीक है, यानी सिस्टम यहां से आएगा फिर यहां, एंड देन ये जो हाईली एरर मतलब मैक्सिमम एरर था 1 प्लस 1 इज 2, यानी तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, कंटिन्यू तुम्हारा ऑसिलेट होते रहेगा, दिस इज 1 एंड दिस इज, ठीक है, अब अगर इसको तुमको ए में चाहिए, ए के टर्म्स में, तो मल्टीप्लाई दिस ग्राफ विद ए, तो दिस इज 0 इनटू ए, 1 इनटू ए इज ए, 2 इनटू ए इज 2 ए, मतलब जो तुम्हारा डिजायर्ड वैल्यू था वो उससे जस्ट डबल टाइम ऑसिलेट कर रहा है, डिजायर्ड वैल्यू से जस्ट डबल टाइम ऑसिलेट कर रहा है, मतलब डबल टाइम हम लोग को आउटपुट मिल रहा है और कंटिन्यू ऑसिलेट करेगा, कभी भी स्टेबल नहीं होगा, दिस सिस्टम इज नोन एज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो अब तुमको क्लियर हुआ ऐसा ग्राफ क्यों आया, तुमको हम पहले ही बोल चुके हैं, तुमको हम हर चीज बताएंगे कि क्यों ग्राफ आया ऐसा, क्या रीजन है, विदाउट रीजन कुछ भी नहीं होता इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये ग्राफ तुमको अब क्लियर होगा कि ऐसा क्यों आया, कंटिन्यू ऑसिलेशन क्यों आता रहेगा, क्लियर है, क्योंकि इसमें एक भी एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, एक्सपोनेंशियल टर्म ही होता है जो डिक्रीज करता है सिस्टम को,
है ही नहीं, सिर्फ एक कोसाइन टर्म है जो कंटिन्यू ऑसिलेट करेगा। और दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हो कि इसमें कोई भी रियल टर्म नहीं है, है ना, और रियल टर्म नहीं है यहाँ पे, तो टाइम कॉन्स्टेंट क्या होगा, इनफिनाइट। तो सेटलिंग टाइम क्या होगा, इनफिनाइट, मतलब इनफिनाइट में जाकर सेटल करेगा। तीसरा क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि जीटा जीरो है, जीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिस्टम को डैम आउट करने के लिए, तो जो डैम आउट कर रहा है वही पार्ट तुम्हारा क्या है, जीरो, तो सिस्टम कभी भी सेटल नहीं करेगा। एंड दिस इज नोन एज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये हो गया तुम्हारा अनडैम्ड सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट।